Where's Bun City? कल शाम लगभग 5:30 बजे के वक्त जैसे ही इस चीज़ का हमें पता चला कि सोशल मीडिया पे कैसी वीडियो क्लिप वायरल हुई है, और उससे इस बात का पता चलता था कि ये वाकया जो ब्राइट करियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाघाट मागम में पेश आया है, तो तुरंत ही इसको हमने कॉग्निजेंस लेते हुए हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ है, जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं लोकल और स्पेशल लॉज के, इसमें जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और बाकी जो तफ्तीश है वो इसमें एज पर प्रोसीजर की जा रही है। जो हमें वीडियो से पता चलता है कि जो कुल्हाड़ी लेकर बच्चे को डराने या धमकाने की कोशिश कर रहा था उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, तो उसके लिए गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ये सोशल मीडिया के जरिए इनको पता चला कि हमारे बच्चों के साथ ये हुआ है, लेकिन बच्चों के साथ हम बात करें वो भी इतना रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्या ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत हमने जब इंक्वायरी की तो ये बात निकल के आ गई कि विंटर के कोचिंग का कोई करा रहा था, विंटर कोचिंग में उसने बच्चों को थोड़ा डराया है, वो बुखारी जो होते हैं ना, आयरन स्टोव जो जलाते हैं लकड़ी काटने के लिए, उसके साथ कुल्हाड़ा कुछ था क्लास में चल रहा था। उनके मुताबिक पेरेंट्स के बच्चों के कुछ बच्चों ने कहा कि वो कुल्हाड़ा उसके हाथ में था लकड़ी काटने के लिए, बुखारी में डालने के लिए। तो अब उसे किसी बच्चों को देखा, किसी ने इसको वीडियो शूट किया, और आज 3-4 महीने के या 3 महीने के बाद, फरवरी के बाद, आज 6 महीने हो गए लगभग, 5 महीने के बाद किसी ने अपलोड कर दिया। ये उनकी अपनी कुछ राइवल दिया वहाँ, कुछ ऐसे ही निकल आया, लोगों से पता चला। लेकिन लोग एडमेंट हैं कि ये स्कूल भी ठीक चल रहा है, हम उसे मुतमैन भी हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेशन भी सही मुतमैन, सबसे मुतमैन। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई भी 1% क्या कुछ भी आयोटा ऑफ फैक्ट होगा, इसमें हम इन्वेस्टिगेट करें और हम वी विल डील विद दिस स्कूल अंडर नॉर्म्स। बच्चा चूँकि 18 साल से कम है, जुवेनाइल एक्ट्स के भी प्रोविजन इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो उनसे भी पूछताछ ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि वाकया थोड़ा पहले के वक्त का लगता है, तो इसके लिए तफ्तीश की ज़रूरत है। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.